तो मैं उनसे पूछा कि सच में ये रोल देंगे क्या वो मुझे। मैं 2 मिनट ऐसे ही सकते में चला गया कि इन्होंने सोचा कैसे ये रोल मेरे लिए। मैं बिल्कुल भी पॉलिटिक्स से कोई नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है मुझे। सुशील जी, सबसे पहले बीबीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहेंगे बिहार से लेकर मुंबई तक का आपका सफर कैसा रहा? बिहार से बम्बई तक की सफर सीधी नहीं रही मेरी। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वो दूर दूर तक फिल्मों से और इस दुनिया से कोई रिश्ता है नहीं। रुझान मेरी इस तरफ जरूर थी, ये मैं कह सकता हूँ। कहीं ना कहीं सबसे पहले कहानियाँ बहुत अट्रैक्ट करती थी मुझे। सिनेमा का मायापुरी पढ़ता था, उसमें बच्चन साहब का फोटो और राजेश खन्ना जी का फोटो, अमित मिठुन दादा का फोटो, और वो सब जब देखता था मैं तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट बहुत करता था मुझे। हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आता था उन दिनों, हिंदुस्तान और ये सब, तो उसमें होटल मैनेजमेंट का के बारे में निकला हुआ था और फॉर्म अप्लीकेशन के लिए, तो फॉर्म भर दिया, वो उसमें भी था बड़ा। जब उसके बारे में पूछा जाना तो एक हमारे बगल में भैया थे, उन्होंने बोला कि पता है 5-स्टार होटल में पूरा एसी रहता है और एसी में रहने वाले सब गोरे हो जाते हैं, सब आदमी को देखोगे निकले गोरे गोरे रहते हैं। तो मेरा दिमाग में वो बड़ा चलता रहता था कि मैं तो यार काला हूँ और मैं हीरो बनना चाहता हूँ। तब तक ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे फिल्म में जाना है। वो भी कहीं ना कहीं एक ड्राइव रहा कि चलो यार यही कर लेते हैं, तो होटल में नौकरी भी मिल जाएगी, कुछ पैसे से भी कमाने लगूंगा तो बम्बई में रहने का जुगाड़ हो जाएगा, गोरा हो जाऊंगा तो थोड़ा चांस बन जाएगा मेरा भी थोड़ा। मैनेजमेंट की पढ़ाई किया और फिर गोवा चला गया जॉब करने के लिए। छुट्टी मेरा हुआ करता था वीकली लीव फर्स्टडे के दिन, तो मैं चला गया कला अकादमी गोवा और वहाँ गया। तो बस जैसे ही गेट में एंटर किया मुझे लगा कि बॉस यही तो है मेरी दुनिया। और मैं गोवा कला अकादमी में से बाहर के जितने भी प्रोडक्शन होते थे या इन हाउस भी, तो मैं उसमें वर्कशॉप में रहता था, बैकस्टेज करता था, क्योंकि वहाँ कोंकणी थिएटर हुआ करता था और कुछ इंग्लिश प्रोडक्शन। के बाद फिर मैं दिल्ली चला गया, और दिल्ली जब गया तो मैं ऐसा कोई प्लान करके नहीं गया कि मैं क्या जा रहा हूँ, ऐसा लगा कि मैं कम से कम थिएटर तो करूँ। तो दिल्ली रहा 2006 तक, 7th of July 2006 को मैं बॉम्बे आ गया। उस रात वीटी के वेटिंग हॉल में ही सोया चादर बिछा के। गोरेगांव वेस्ट में एक कोई लॉज है, मैं वहाँ आया था, मैं रहा था एक कमरा में, बहुत इतना छोटा था वो कि बस किसी तरह एक बेंच घुस गया था टाइप, और सामान नीचे डाल दीजिए और वैसे ही था एकदम कोने में। तो मैं बोला कि नहीं ये ठीक है, ये दे दीजिए, तो 50 रुपये में मुझे दे दिया उन्होंने। तो वहाँ से यू नो कि ऐसे मेरी जर्नी रही, बड़ा घुमा फिरा करके, एमलेस जर्नी थी। मुंबई शहर बहुत महंगा शहर है, आपके लिए कैसा रहा मतलब यहाँ पे अपने पैर जमाना, एक मुकाम हासिल करना? उन दिनों जब बम्बई आया तो आते ही मुझे काम वाम तो नहीं मिला, एक डेढ़ महीना ऐसे ही भटकता रहा, लेकिन रोज दिन जाता था पृथ्वी थिएटर। एक राइटर थे नीरज पाठक, वो सस्पेंस कुछ कुछ हॉरर शो वगैरह जी के लिए उन दिनों लिखा करते थे, तो वो चाह रहे थे अपना थिएटर ग्रुप स्टार्ट करना, और इत्तेफाक से वहीं मुलाकात हो गई। तो उनके साथ मैं हो लिया और एक वो प्ले कर रहे थे कमबख्त इश्क उन दिनों, तो उसकी कास्टिंग वो कर रहे थे, मुझे रख लिया उन्होंने। तो पैसे वैसे कुछ देना नहीं था, कुछ नहीं, अपना रिहर्सल कीजिए और जब होगा तो शो करेंगे। सर्वाइवल के लिए कुछ पैसे मैं लेके आया था, मेरी माँ भी थोड़ा कुछ, भाई मेरा जॉब करने लगे थे तो वो थोड़ा कुछ हेल्प कर रहे थे, लेकिन मैं चूंकि ट्रेंड था, कुछ होटल वाले लोग भी जान पहचान के थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुमको कुछ काम देता हूँ। वैसे वीक में 1-2 दिन का काम होता था, 3 दिन का कभी काम होता था, तो कुछ पैसे मिल जाते। तो इतना पैसा मुझे मिलने लगा उधर से कि मुझे रहने खाने का वो दिक्कत और सर्वाइवल का दिक्कत नहीं रहा। तो 1-2 दिन का काम, कभी एक बार फोन आ गया, ऐसे ही फोन हवे में, बालाजी का कोई शो था, वो मेरा पहला ऐसे कैमरे में काम था, कि एक मैकेनिक का कुछ रोल था। 1-2 महीने बाद मुझे एक शो मिला, जब लव हुआ, जी के लिए एक शो हो रहा था। वो थोड़ा दिन टीवी तो कर रहा था, लेकिन फिर मैं रहता था कि फिल्म मिल जाए तो फिल्मों की तरफ, क्योंकि वो इतना समझ में आता था कि इधर मेरी जिंदगी है नहीं। फिल्म में भी छोटे छोटे रोल से शुरू हुआ, कि जब वी मेट में कहीं मैं फोटो दे के आया हूँगा कहीं, तो कई जगह थे, फोन आ गया कि ऐसा ऐसा रोल है जब वी मेट, इम्तियाज अली बना रहे हैं और करीना कपूर, शाहिद कपूर। तो मेरे लिए तो बस लगा कि बस निकल गई गाड़ी है। तो जब ये सुभाष कपूर एक फिल्म कर रहे थे फंस गए ओबामा, तो उसमें उन्होंने रोल दिया और
छोटी मोटी पहचान वहां से मेरी लोग थोड़ा जानने लगे। उसके बाद तो फिर जॉली एलएलबी आई। जॉली एलएलबी के बाद मेरा थोड़ा जीवन थोड़ा आसान हो गया, थोड़ा काम लोग देने लगे, मिलने लगे। सुभाष कपूर जी के साथ आपने चार प्रोजेक्ट किए, किस तरह का खास रिश्ता आप उनके साथ शेयर करते हैं? He is one जो कि मैं बेझिझक, वो मेरे मेंटर हैं, मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम संबंध जो है थोड़ा और अच्छा हुआ, और फिल्मों से ज्यादा वो जीवन के बारे में बात करते हैं जब भी मिलते हैं। मैं जानना चाहती थी 90 के दशक के बिहार के बारे में आपकी क्या यादें हैं और आज का बिहार कितना अलग है? क्राइम थोड़ा ज्यादा उस समय पीक पे था, सोशल चेंजेस काफी आ रहे थे। मैं बिल्कुल भी पॉलिटिक्स से कोई नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है मुझे, बट मुझे ऐसा लगता है कि उपेक्षित राज्य रहा है हमेशा ही। एजुकेशन में भी मैं तो उस समय था जब, बहुत ईमानदारी से बोलता हूँ कि हम कॉलेज का एग्जाम लिखते थे तो हमें ऐसा रहता था कि पढ़े या ना पढ़े पास तो ही जाएंगे। अब काफी हद तक सुधार हुआ है, और उसका रीजन सबसे बड़ा जो रीजन है वो मुझे लगता है कि यूथ का है। बिहार से उस समय 95-98 में माइग्रेशन बहुत हुआ। हर कोई यही बात करता था कि पढ़ लो नहीं तो कुछ नहीं होगा, पढ़ लो नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो पढ़ के क्या करना है, कुछ भी पढ़ लो, टेक्निकल चीज पढ़ लो, कुछ भी ऐसा करो कि बाहर चले जाओ। बाहर लोग गए तो अदर स्टेट को भी देखा, अदर कल्चर में को अंडरस्टैंड करने की, समझने की का मौका मिला उनको। और जब वो लौट के गए तो यहाँ अगर नहीं है तो वो ढूंढते थे। हमेशा से मुझे एक चीज वहाँ का जो है, जो मुझे बहुत परेशान करता है, आज भी बहुत परेशान करता है, वो है वहाँ की जो कास्ट फीलिंग। वो पता नहीं क्या, वो शायद डीएनए में है, कहाँ क्या है नहीं समझ में आता है, बट थोड़ा बहुत तो है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो खत्म होगा। कुंवर सिंह का किरदार बहुत क्रूर है और बहुत डिफिकल्ट है। किस तरह से आपने प्रिपेयर किया, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया इस किरदार के लिए, क्योंकि इट्स क्वाइट शॉकिंग टू सी पीपल। जी, सुभाष जी ने मुझे बुलाया और ये रोल सुनाया, तो सबसे पहले तो मैं 2 मिनट ऐसे ही सकते में चला गया कि इन्होंने सोचा कैसे ये रोल मेरे लिए है ना। ना मैं देखने में ऐसा लगता हूँ, मुझसे बात करके लोगों को शायद ऐसा नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं आती होगी, और ऐसा कुछ भी नहीं था। राइटर है नंदन, वो मुझे डिटेल्ड नरेशन उन्होंने दिया, तो मैं उनसे पूछा कि सच में ये रोल देंगे क्या वो मुझे, तो बोले कि अरे देंगे, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ, आपको कहानी सुना रहा हूँ। तो ये रहा, और जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ा, कैरेक्टर के बारे में जानने की कोशिश की, होता है ना कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं, कहानियाँ पढ़ने लगते हैं, तो कहानी धीरे धीरे बात करने लगती है, वो कैरेक्टर फिर आपके आंखों के सामने चलने लगते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं या बातें करने लगते हैं। कुंवर सिंह जो था वो मुझे पकड़ में नहीं आ रहा था। मैं गया था 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए। वहाँ एक आदमी, एक लड़का था 33-35 ईयर्स, वो ऐसी वो दूर बैठा हुआ है, वो आधे घंटे 20 मिनट तक बैठा रहा, वो एक लुक दिया मुझे और बस निकल गया। एटीट्यूड बोल सकते हैं, वो था उसमें, वो उसके बॉडी में थी, उसके आंखों में थी। तो मुझे लगा ये है वो, ये है कुंवर। इस दौर में आप कैसे कलाकार के लिए ओटीटी किस तरह का अहम मंच बन के बाहर निकला है आपके साथ? हमारे जैसे कलाकारों के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, इवन पूरी इंडस्ट्री के लिए कह सकता हूँ, एक वरदान ही है। सबसे बड़ी चीज जो है, एक तो काम हो रहा है, दूसरा कि अच्छा काम हो रहा है। महारानी ने आपको कितना बड़ा एक टर्निंग पॉइंट दे दिया है, ख्याति दे रखी है, तो किस तरह कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं? मैं बहुत ईमानदारी से बोलता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, कि मतलब ये सोचा कि हाँ एक बढ़िया काम हो रहा है, उसमें मैं भी एक पार्ट हूँ, काम कर लो, जो होना होगा हो जाएगा। अब जैसे आप फोन कर रहे हैं तो मेरे लिए तो ये 7वां आज हुआ है। ये आप लोग का बड़प्पन है, ऑडियंस का ये है कि भाई वो लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। इसके बाद कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपकी महारानी के बाद? अब तो काफी अप्रिसिएशन मिला है, तो कोई प्रोजेक्ट और लाइनअप है आपके? एक सीरीज है डिज्नी हॉटस्टार के लिए, ह्यूमन, जो कि विपुल शाह और मोजेस सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। एक फिल्म है जो अनुभव सर के साथ मैंने किया है, अनेक, आयुष्मान खुराना के साथ।